सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गगन और आज का है हमारा वीडियो बहुत खास होने वाला है फ्रेंड्स। तो इसीलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखते रहिए। फ्रेंड्स मैं आपको आज के इस वीडियो में यह बताने वाला हूँ कि अगर आप एक न्यू यूट्यूबर हो तो आपको अपने यूट्यूब चैनल पर मोनेटाइजेशन को कैसे एनेबल करना है, यही सब मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स अगर आप मोनेटाइजेशन को अभी अनेबल कर लेते हो या बाद में अनेबल करना चाहते हैं इससे फ्रेंड्स कुछ दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फ्रेंड्स अगर आप मोनेटाइजेशन को अभी अनेबल कर लेते हो तो इससे ये आपको फ़ायदा होगा कि आपका 4000 घंटे का वॉच टाइम जब भी कंप्लीट होगा और 1000 सब्सक्राइबर जब भी कंप्लीट हो जाएंगे फ्रेंड्स, तो आपका यूट्यूब चैनल जाएगा सीधे अंडर रिव्यू में, और अंडर रिव्यू में जाने के बाद फ्रेंड्स आपका चैनल पूरा रिव्यू होगा और रिव्यू होने के बाद फ्रेंड्स आपका मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स मोनेटाइजेशन को अभी अनेबल करने से फ्रेंड्स आपको एक और फ़ायदा होने वाला है कि फ्रेंड्स आपको वॉच टाइम और सब्सक्राइबर दोनों दिख जाएंगे कि कितना हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स आपने मोनेटाइजेशन को अनेबल कर लिया है तब भी फ्रेंड्स आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देख सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आपको इस वीडियो को देखने से पता चल जाएगा कि आपने कुछ मिस्टेक तो नहीं की है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, और मैं ले चलता हूँ आपके अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो लेकिन फ्रेंड उससे पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नया हो तो चैनल को जाना सब्सक्राइब करने के बाद फ्रेंड पास में घंटे के से देखने वाले को भी दबा देना, और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रही है तो इस वीडियो को देना लाइक। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स मैं आपको लेके आ चुका अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे। फ्रेंड्स आपको सिंपली जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र में, और क्रोम ब्राउज़र में फ्रेंड्स आपको अपने यूट्यूब चैनल को ओपन कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ जो ये थ्री डॉट दिख रहे हैं फ्रेंड्स ऊपर, फ्रेंड्स आपको जो थ्री डॉट दिख रहा है आपको यहाँ से आपको डेस्कटॉप साइड में जाना है। डेस्कटॉप साइड में जाने के बाद फ्रेंड्स ये जो आपको दिख रहा है फ्रेंड्स चैनल का लोगो, यहाँ आपको टच कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर फ्रेंड्स आपको ये जो लिखा है माय चैनल, यहाँ आपको टच कर देना है। माय चैनल पर जाने के बाद फ्रेंड्स ये जो आपको दिख रहा है फ्रेंड्स कस्टमाइज चैनल, यहाँ आपको टच करना है। फिर इसके बाद आपको वीडियो मैनेजर पर टच करना है, ठीक है। फिर जो यहाँ ये जो चैनल लिखा है फ्रेंड्स, यहाँ आपको टच करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका इंटरफेस कुछ ऐसा होगा। तो फ्रेंड्स सिंपली आपको करना क्या है कि ये जो मोनेटाइज का ऑप्शन है फ्रेंड्स, और यहाँ जो अनेबल पूछ रहा है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर टच करना है। फिर फ्रेंड्स आपका इंटरफेस कुछ इस तरह का होगा। फिर फ्रेंड्स आपको सिंपली यहाँ जो ये स्टार्ट का ऑप्शन है फ्रेंड्स, यहाँ आपको टच करना है। स्टार्ट पर टच करने के बाद फ्रेंड्स आपका इंटरफेस कुछ ऐसा होगा। फिर फ्रेंड्स आपको करना क्या है कि ये जो यहाँ पर जो टिक पूछ रहा है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर टिक लगाना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये यहाँ पर एक टिक लगाना है यहाँ पर, और फ्रेंड्स यहाँ पर भी एक टिक लगाना है, ठीक है फ्रेंड्स। टिक लगाने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ये जो आई एक्सेप्ट का ऑप्शन पूछ रहा है फ्रेंड्स, आपको इस पर टच कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आई एक्सेप्ट पर टच करने के बाद फ्रेंड्स आपका इंटरव्यू कुछ ऐसा होगा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ जो ये पहला टिक कंप्लीट हो चुका है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमें एडसेंस अकाउंट बनाना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमें स्टार्ट करना होगा, स्टार्ट का बटन पर टच करना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं स्टार्ट पर टच कर देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स आपका इंटरफेस कुछ ऐसा होगा। तो फ्रेंड्स आपको सिंपली करना क्या है कि यहाँ जो नेक्स्ट पूछ रहा है यहाँ आपको टच कर देना है। नेक्स्ट पर टच करने के बाद फ्रेंड्स आपका इंटरफेस कुछ इस तरह का होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स लोड हो रहा है थोड़ा। तो फ्रेंड्स ये आपसे आपका जिस भी ईमेल आईडी से आपका यूट्यूब चैनल होगा, आपको उस जीमेल आईडी से यहाँ लॉगिन कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैंने लॉगिन कर दिया है, ये थोड़ा लोड ले रहा है। लोड लेने के बाद फ्रेंड्स आपका इंटरफेस कुछ इस तरह का होगा। फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ये आपकी यूट्यूब चैनल की URL दिख रही है, और उसके नीचे फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपको एक टच करना होगा फ्रेंड्स। आप यस या नो कुछ भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ यस कर देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर अपनी इंडिया कंट्री सिलेक्ट कर ली है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ आपको नीचे आ जाना है, और यहाँ आपको फ्रेंड्स टिक लगा देना है, ठीक है फ्रेंड्स।
फिर सिंपली फ्रेंड्स आपको यहाँ जो क्रिएट अकाउंट है यहाँ आपको टच कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स ये कुछ लोड लेगा। फ्रेंड्स इसके बाद आपका इंटरफेस कुछ इस तरह का होगा। तो फ्रेंड्स आपको इसमें सिंपली करना क्या है कि जहाँ आपसे नेम और एड्रेस पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपको आपके आधार कार्ड पे जो भी नाम होगा आपको वही नाम यहाँ पर लिखना है फ्रेंड्स। और आपके आधार कार्ड पे जो भी फ्रेंड्स एड्रेस लिखा होगा आपने वही एड्रेस इस पर डालना है, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स एड्रेस लिखने के बाद ठीक आपको पास में एक आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखना होगा फ्रेंड्स। कॉन्टैक्ट नंबर लिखने से होगा ये कि जब भी आपका एड्रेस का पिन आने वाला होगा तो वो आपसे आपके कॉन्टैक्ट आपसे बात कर सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सिटी लिखना है और फिर फ्रेंड्स आपको यहाँ पर पोस्टल कोड भी लिखना है अपना, जो कि फ्रेंड्स आपके आधार कार्ड पर लिखा होगा फ्रेंड्स। तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि आपका पोस्टल कोड क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। और आपका फ़ोन नंबर भी यहाँ पर आपको लिख देना है। इतना कर लेने के बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली यहाँ पर सबमिट कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स सबमिट पर टच करने के बाद आपको सिंपली करना क्या है कि ये जो फ्रेंड्स आपका इंटरफेस दिख रहा है आपके सामने, वहाँ पर आपको एक रीडायरेक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा फ्रेंड्स और एक कैंसिल का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर रीडायरेक्ट पर टच कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। जी डायरेक्ट पर टच करने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेरा पहला टिक था वो कंप्लीट हो चुका है और जो मेरा दूसरा टिक था फ्रेंड्स वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरा टिक करने के लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर स्टार्ट पर टच करना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आपको यहाँ ये स्टार्ट के बटन को दबाना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ जो ये दिख रहा है सेव का बटन, यहाँ आपको दबाना होगा। उसके बाद ये फ्रेंड्स सिंपली सेव हो जाएगा। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि अभी मेरे ये तीनों टिक कंप्लीट हो चुके हैं और अब फ्रेंड्स ये जब मेरा 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर पूरे कंप्लीट हो जाएंगे तो फ्रेंड्स मेरा मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ अभी मेरा वॉच टाइम 0 है और यहाँ अभी मेरा सब्सक्राइबर भी 0 है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो फ्रेंड्स मैंने आपको बता दी है। तो अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो कर देना लाइक और शेयर भी कर देना। तो फिलहाल के लिए फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो कर देना लाइक शेयर और कमेंट में लिख के मुझे जरूर बता कि फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा और मुझे ये भी बताना कि फ्रेंड्स किस किस ने के मोनेटाइजेशन अनेबल कर लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद पास में घंटे के साथ देखने वाले बटन को भी दबा दीजिए ताकि फ्रेंड्स मैं जब भी आपके लिए कोई इसी तरह की इन्फॉर्मेशन या टेक एंड टिप्स की वीडियो लाऊंगा तो फ्रेंड्स आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो फिलहाल के लिए फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही।